ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी एक बड़ी रैली करने वाली है। कोशिश यह है कि दिल्ली की जनता को यहाँ पर बुलाया जाए और ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अपने साथ लाया जाए। तो पहले आप तैयारियाँ देखिए किस तरीके से भव्यता के साथ इस मैदान को तैयार किया गया है। कोशिश और प्रयास यही है कि कैसे भी करके अगर दिल्ली की जनता इकट्ठी होती है तो दबाव भी बनेगा और एक ये आंदोलन दिल्ली के साथ देश तक फैले। गोपाल राज जी मेरे साथ हैं। सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि ये तैयारियां समझाती हैं कि भव्यता के साथ जो आपने ये तय किया है कि दिल्ली की जनता अगर यहाँ आती है और ज़्यादा संख्या में आती है तो केंद्र सरकार दबाव में नजर आएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सत्ता के अहंकार में तानाशाही दिखाते हुए रात के अंधेरे में ब्लैक ऑर्डिनेंस दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा है, इससे दिल्ली के अंदर बहुत आक्रोश है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या राजधानी में रहना गुनाह है, क्या राजधानी में हम आ गए देश के अलग अलग हिस्सों तो क्या हमारा गुनाह हो गया, क्या हमारे वोट की कीमत खत्म हो गई। जब संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिस तरह से देश भर के लोगों को वोट का अधिकार है और उसकी जो कीमत है उससे जिस तरह सरकार चलती है उसे दिल्ली की भी चलनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए ऑर्डिनेंस थोपा है उसके खिलाफ दिल्ली भर के लोग सड़क पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए 11 जून को 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। और चूंकि गर्मी का समय है इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसलिए सभी तरह के इंतजाम, पानी का, टेंट का, टॉयलेट का, मेडिकल का, फायर ब्रिगेड का, हर तरह का इंतजाम के लिए अलग अलग टोलियाँ बना दी गई हैं जो आज से काम करेंगी। और 11 तारीख को पूरी दिल्ली जो है रामलीला मैदान इकट्ठा होगी। करीब 2000 मंडलों पे हमने महारैली तैयारी की टीमें बनाई हैं जो घर घर जा रही हैं और मुझे भरोसा है कि दिल्ली के लोग जब भी दिल्ली के हक की बात हुई है, लोगों के हक की बात हुई है, जिस तरह से इस रामलीला मैदान में खड़े हुए एक बार फिर 11 जून को उसी जोश के साथ सड़क से लेकर के संसद तक जो अरविंद केजरीवाल जी इस ब्लैक ऑर्डिनेंस के खिलाफ, काला अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें साथ देने के लिए इकट्ठा हुआ। आपका जब भी यहाँ प्रोग्राम हुआ है तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। हमेशा ये कहा गया कि रामलीला मैदान भरने वाले लोगों में से अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी। क्या ये माना जाए कि इस बार भी वो जनता उसी तरीके से उत्साह के साथ यहाँ पर खड़ी नजर आएगी? निश्चित रूप से, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है दो बात। एक तो ये कि अगर अब आवाज़ नहीं उठाए तो दिल्ली वाले दुयम दर्जे के नागरिक सदैव के लिए बन जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को दिया है वो सारा ठप कर दिया है। इसलिए अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए दिल्ली के लोग 11 तारीख को रामलीला मैदान पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि तैयारी पूरी है, दिल्ली की जनता को रामलीला मैदान में लाना है। उनको ये समझाना है कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अगर वो साथ खड़े हुए नज़र आते हैं तो ऐसे में एक बड़ा आंदोलन तैयार हो सकता है। एक बार फिर से मैं कैमरे के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखाऊँगा, आप खुद समझ सकते हैं कि तैयारियाँ कितनी भव्यता के साथ यहाँ पर की गई हैं। कुर्सियाँ आगे की लाइन में आपको नज़र आ रही होंगी। पंडाल को आखिरी छोर तक लगाया गया है इस उम्मीद के साथ कि ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम करे, चाहे वो शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर अन्ना आंदोलन के बाद की जो परिस्थितियाँ बनी हो, जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है तो ऐसे में भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है। और इसीलिए ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर दिल्ली की जनता को साथ लाने का जो प्रयास आम आदमी पार्टी करना चाहती है उसकी कोशिश ये है कि 11 तारीख की रैली अगर सफल होती है तो एक दिल्ली में बड़ा मुद्दा और बड़ा आंदोलन तैयार हो सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।